लेन की हालत देखिए, यहाँ पानी अक्सर भरा रहता है, यहाँ पे गाड़ियों की कंडीशन देखिए, टू व्हीलर्स की कंडीशन देखिए, पैदल चलना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता जो यहाँ का कॉर्पोरेटर है वो आखिर कर क्या रहा है। हमने मेयर साहब से भी कल बात की, मैं आज पर्सनली मेयर साहब के पास गया, मैंने एप्लीकेशन भी दी, मेमोरेंडम भी दिया उनको, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की इस सोसाइटी की तरफ से, मैंने कहा कि आप कुछ करिए कि ताकि यहाँ पे जो लोगों को मुश्किल हो रहा है तो इसके लिए कुछ करिए। देख सिटी एक आईवाश है, स्मार्ट सिटी एक पैसा अर्न करने का एक जरिया है, बाकी जम्मू को स्मार्ट सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है जम्मू के लोगों को। आप मुझे बताइए, स्ट्रीट लाइट्स की कंडीशन देखिए, आप रोड्स की कंडीशन देखिए, आपके सामने है, आप ये देखिए। अगर स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए हमें स्मार्ट बनना पड़ता है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 14 सेक्टर 4 निटको लेन भगवती नगर में मौजूद हैं और स्मार्ट सिटी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि करोड़ों के हिसाब से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उवाम को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सड़कें टूटी हुई हैं, उन्हें इन सड़कों से गुजरना दुश्वार हो जाता है। जब भी कोई यहाँ से गुजरता है उसकी गाड़ी टूटती है, उसका एक्सीडेंट होता है, अगर कोई टू व्हीलर वाला है तो उससे मुश्किल से ये लेन क्रॉस करनी पड़ती है। आखिर 5-6 सालों में इस जगह पर काम क्यों नहीं किया गया, क्यों स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इतने पैसे अगर खर्च किए जा रहे हैं तो ये छोटे मोटे काम क्यों नहीं हो रहे। हमारे साथ अभी सामाजिक कारकुन ऋषि किलम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस लेन को लेकर। मेयर JMC के साथ भी इनकी बातचीत जो है वो हुई है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि कब से ये लेन ऐसी ही है और कब से इस पर काम नहीं हुआ। लगभग कुछ 4 से 5 साल, चार से पाँच साल इस लेन की यही कंडीशन है। खासकर आप बारिश में देख लीजिए, आप गर्मियों के टाइम देख लीजिए, आप इस लेन की हालत देखिए, यहाँ पानी अक्सर भरा रहता है, यहाँ पे गाड़ियों की कंडीशन देखिए, टू व्हीलर्स की कंडीशन देखिए, पैदल चलना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता जो यहाँ का कॉर्पोरेटर है वो आखिर कर क्या रहा है। हमने मेयर साहब से भी कल बात की, मैं आज पर्सनली मेयर साहब के पास गया, मैंने एप्लीकेशन भी दी, मेमोरेंडम भी दिया उनको, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की इस सोसाइटी की तरफ से, मैंने कहा कि आप कुछ करिए कि ताकि यहाँ पे जो लोगों को मुश्किल हो रहा है तो इसके लिए कुछ करिए। देखिए लोग कितने सफ़र कर रहे हैं और जो भी इसमें अड़चन ला रहा है उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए कि जो इसमें आपके बीच में आ रहा है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बीच में आ रहा है, इस सड़क के बीच में आ रहा है कि नहीं जी कोई अड़चन ला रहा है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, कोई भी अड़चन लाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है बड़े पैसे खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी छोटी मोटी सड़कों की ये हालत है, क्या कहना चाहिए। देखिए स्मार्ट सिटी एक आईवाश है, स्मार्ट सिटी एक पैसा अर्न करने का एक जरिया है, बाकी जम्मू को स्मार्ट सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है जम्मू के लोगों को। आप मुझे बताइए, स्ट्रीट लाइट्स की कंडीशन देखिए, आप रोड्स की कंडीशन देखिए, आपके सामने है, आप ये देखिए। अगर स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए हमें स्मार्ट बनना पड़ता है। आप जम्मू की कंडीशन देखिए, कौन सी स्मार्ट सिटी, हल्की सी एक दिन बारिश हो जाती है तो सड़कों की हालत देख लीजिए, ट्रैफिक जैम्स की हालत देखिए, किस बात की। साइन बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं होता है। आपने जुवल चौक में कुछ वो फंवारे फाउंटेन लगा दिए तो स्मार्ट सिटी हो गया। आप पहले हिसाब दीजिए जम्मू की जनता को कि आप स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। आप दिखा रहे हैं हम 10 करोड़ लगा रहे हैं, 8 करोड़ लगा रहे हैं, इतने करोड़ लगा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। मैं मेयर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप जम्मू मेयर साहब से जब आप मिले क्या कुछ यकीनदानी उनकी जानिब से करवाई। कल मुझे फोन पे भी आश्वासन दिया, कल रात में मैंने कोई 10 बजे के करीब उनको यहाँ से ही फोन किया, मैंने कहा लोग परेशान है, आप खुद विजिट करिए। मैं मेयर साहब से ये भी कहूंगा कि आप फादर है हमारे जम्मू के, जम्मू सिटी के, आप खुद आके जितने भी वार्ड से 72 वार्ड है, 70 वार्ड है, जितने भी वार्ड है, खुद आके पर्सनली अपनी टीम के साथ विजिट करिए, आपको खुद पता लगेगा स्मार्ट सिटी कितना है। आज मेयर साहब ने मुझे ऑफिस बुलाया था तो उन्होंने साइन किया, उन्होंने ये एप्लीकेशन रिसीव की, उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो ग्रीवेंस है वो हल हो। और मुझे उम्मीद है आपकी चैनल के माध्यम से मैं उनको 8-7 दिन का टाइम देता हूँ कि वो जल्द से जल्द जो वार्ड है, वार्ड नंबर 14, यहाँ पे काम शुरू किया जाए। यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, पब्लिक सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है ये कनेक्टेड है तालाब तुलो मुट्ठी मिश्री वाला अखनूर रोड सब जानीपुर, लोग यहाँ से ही ट्रैवल कर रहे हैं शॉर्टकट के लिए। लेकिन लोगों को कितना मुश्किल आ रहे हैं मुझे ये समझ नहीं। आप ये देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, बद से बदतर कंडीशन है।
बिल्कुल। क्या डिमांड रहेगी आप एलजी इंतजामिया से और खासकर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? देखिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर जम्मू की, क्योंकि जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको वोट्स दिए। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, कुछ जो वार्ड्स है वहाँ के जो कॉरपोरेटर्स है वो लापरवाही कर रहे हैं, वो बिल्कुल लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। खासकर यहाँ के कॉरपोरेटर, देखिए जो यहाँ कॉरपोरेटर कपाई साहब चुन के आए हैं, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से कहना चाहता हूँ कि आप ही के कॉरपोरेटर्स हैं, आप एक बार पता तो करिए आपके कॉरपोरेटर्स विकास क्या कर रहे हैं, आप वोट किस बेस पर मांग रहे हैं। आप हर घर तिरंगे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? लोगों को डेवलपमेंट क्या है मुझे बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी की हालत देख लीजिए, लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, और आप हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। तिरंगे की हम इज्जत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जम्मू की हालत देखिए, जम्मू सिटी की हालत देखिए, जम्मू के लोग दुखी हो चुके हैं। आप जम्मू के लोग, माताएं बहनें बुजुर्ग यहाँ से चलते हैं, स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं चलते। आप तालाब तिरो के बाकी एरियाज में देखिए, लाइटें ऑन नहीं है, लाइटें लैंप्स नहीं है, ट्रांसफार्मर्स की, बिजली मीटर्स की हालत देखिए, महंगाई इतनी है, आप फीस हमसे इतना लेते हैं, टैक्स इतना लेते हैं रोड का, लेकिन रोड की सुविधा क्या देते हैं, आप मुझे ये बताइए। वैसे आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा दें, बारिश पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही यहाँ पर बारिश हुई हो और ये तालाब बन गया हो। बहरहाल आर्टिफिशियल लेक तो बनी नहीं, लेकिन नेचुरल लेक्स जम्मू में जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगी। एक और भी मुकामी शख्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चंदर है। कितनी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है जो यहाँ से गुजरते हैं? सर, काफ़ी टाइम से परेशानी है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे कोई कम से कम 10-12 साल हो गए, तब से ये रोड ऐसी ही है। जैसे ही यहाँ पे रोड बनती है तो एक दिन के बाद फिर ख़राब हो जाती है रोड, बारिश का पानी बहुत जमा होता है यहाँ पे, बहुत एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं यहाँ पे। अब क्या डिमांड करना चाहोगे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से? ये हम डिमांड करते हैं कि जल्दी जल्दी जल्द से जल्द यहाँ पे सड़क की सुविधा लाई जाए और अच्छे से होए, ताकि कोई दोबारा ऐसा नहीं हो कि। ये तमाम तर तस्वीरें आपको वार्ड नंबर 14 सेक्टर 4 भगवती नगर निटको लैंड से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और अक्सर लोग तालाब तिल्लू की ओर अगर किसी ने भी जाना है तो इसी सड़क से गुजर कर जाता है, लेकिन और अगर यहाँ की बात करें, कॉरपोरेटर भी बीजेपी का है, उसके बावजूद भी तरक्की का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और लगातार जो है यहाँ की पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है, यहाँ की आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारी भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है इस लैन का काम लगाया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा पेश आने से बच सके और यहाँ से सफ़र करने वाले लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।